स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम साय ने बड़ा बयान दिया, कहा कि पीएससी घोटाले के आरोपी बचेंगे नहीं। सीबीआई को सौंपा जा चुका है केस, सीएम विष्णुदेव साय ने यह जानकारी दी। और आगे कहते हैं कि धान के अंतर की राशि की व्यवस्था हो चुकी है। महतारी वंदन योजना को लेकर भी बयान दिया, कहा 60 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, आचार संहिता के पहले 12,000 की राशि दी जाएगी, सीएम ने कहा। तो पीएससी घोटाले के आरोपी बचेंगे नहीं, ये बड़ी बात कही है सीएम विष्णुदेव साय ने। सीएम का बड़ा बयान है, सीबीआई को केस सौंप दिया गया है, धान के अंतर की राशि की व्यवस्था हो रही है। महतारी वंदन योजना को लेकर भी बोले हैं, उनका कहना है कि 60 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है और आचार संहिता लागू होने से पहले 12,000 की राशि अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी सरकार की तरफ से। तो तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी है यहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सबसे पहले पीएससी घोटाले को लेकर कहा, पीएससी घोटाले के आरोपी बचेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई उन पर होगी, कठोर सजा मिलेगी। सीबीआई को केस सौंपा जा चुका है, धान के अंतर की राशि की व्यवस्था हो चुकी है। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, कई महत्वपूर्ण विषयों पर सीएम साय ने अपनी बात रखी है, सबसे महत्वपूर्ण पीएससी घोटाले के आरोपी बचेंगे नहीं और महतारी वंदन योजना को लेकर कहा है कि आचार संहिता के पहले राशि ट्रांसफर होगी। देखिये सुमित, आज बीजेपी के जो प्रवेश था, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन किया है, उस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे थे सभी नए सदस्यों को। और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पीएससी में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है, साथ ही एफआईआर भी दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, धांधली की है पीएससी घोटाले पे, उन्हें किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। मतलब यही है कि सरकार के निशाने पर और मुख्यमंत्री के निशाने पर ऐसे घोटालेबाज अधिकारी हैं जिनके जो नाम सामने आए हैं वो उनका प्रमुख रूप से वो टारगेट है सरकार के, तो ये कहा जा सकता है। इसके अलावा महतारी बंधन योजना के लिए भी कहा है कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ही जो 12,000 की जो राशि है, जो 1,000 का जो किस्त देना है महतारियों को, उनके जो व्यवस्था है सुनिश्चित कर ली गई है। धान के अंतर की जो राशि अभी तक किसानों को नहीं मिल पाई है उसके लिए विपक्ष लगातार हमलावर रही है सरकार को लेकर के, तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब जो अंतर की राशि की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है और जल्द ही किसानों के खाते पर ये जो राशि है हस्तांतरित हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो वादे किए गए थे, जो मोदी की गारंटी थी, उसे तो पूरा किया जाएगा ही। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर रही जब विपक्ष में थी, तो अब पीएससी घोटाले का मुद्दा है और उनके जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करने की बात विष्णुदेव साय ने कही है। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया युगल तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में जुड़े नए ग्रामीण वार्डों में अवैध प्लॉटिंग पर निगम प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। अब तक रिकॉर्ड 80 एकड़ शासकीय जमीनों को भू माफियाओं से मुक्त करवाया जा चुका है। निगम ने पहले सभी कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया था, लेकिन इस संबंध में कोई उचित जवाब नहीं मिला, जिसके बाद निगम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मोपका क्षेत्र में 80 एकड़ जमीनों को कब्जाधारियों से मुक्त करवाया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे बिलासपुर संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं फोन पर। उमेश, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से प्रदेश में जो बुलडोजर है टॉप गियर में टॉप स्पीड पर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देखा जा रहा है कि लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो प्रदेश में देखी जा रही है। खासकर अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में सरकारी भू जमीनों पर भू माफियाओं का कब्जा हो गया था, इसके साथ ही अवैध जो कब्जा है, अवैध प्लाटिंग का जो काम धड़ल्ले से चल रहा था उस पर निगम ने शिकंजा कसा और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को देखा जा सकता है कि 80 एकड़ बड़ी भूमि जो है सरकारी भूमि वो नगर निगम ने भू माफियाओं के कब्जे से छुड़ाई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई
देखी जा रही है निगम के द्वारा, क्योंकि सरकार बदलते ही साथ एक बड़ा जो मुद्दा भी रहा है और भारतीय जनता पार्टी का की सरकार आते ही जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध कब्जे हैं, उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करेंगे, वो अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। निश्चित रूप से 80 एकड़ जमीन बहुत बड़ी जमीन होती है और उस पर भूमाफियाओं का कब्जा था, लिहाजा अभी भी जो जारी है अवैध कब्जे को हटाने की जो कार्रवाई है वो निगम की जारी है। आगे भी लिस्टिंग की जा रही है, जहां जहां भी अवैध कब्जे किए गए हैं वहां पर कार्रवाई की जाएगी। अगर हम बात करें निगम क्षेत्र के से जुड़े जो नए वार्ड हैं, वहां पर अवैध प्लाटिंग का खेल धड़ल्ले से जारी था, जिस पर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और अब तक 80 एकड़ जमीनों पर जो कब्जा हुआ था उसको छुड़ा लिया गया है। जी बिल्कुल, बड़ी बात है, बड़ी बात है उमेश की 80 एकड़ शासकीय जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त करवाया है और नियम के तहत ही कार्रवाई हो रही है। पहले नोटिस दिया जाता है, जब जवाब नहीं मिलता उसका तो कार्रवाई होती है। उमेश निश्चित रूप से जब पहले तो नोटिस जारी किया जाता है, उन लोगों से उनकी राय पूछी जाती है और नोटिस का अगर उचित जवाब नहीं दिया जाता है तब निगम जो है वो एक्शन लेता है और एक्शन में आप देखेंगे लगभग अगर पूरे अगर बिलासपुर जिले के नगर निगम सीमा क्षेत्र की बात करें तो लगभग 265 लोगों को चिन्हांकित किया गया था, जिस पर लगभग 165 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसके साथ ही अभी कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया, अगर उनको भी जो उचित जो जानकारी है या उचित उनके जवाब है वो पेश नहीं होंगे तो आगे भी जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई, वो देखने को मिलेगी। ठीक है उमेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नक्सल इलाके की 40 छात्राएं अब इंग्लिश बोलेंगी। जी हां, ये सब संभव हुआ है सीआरपीएफ 74 बटालियन के प्रयास से, क्योंकि सीआरपीएफ द्वारा इन छात्राओं को इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स करवाया जा रहा है। सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत ना सिर्फ अंग्रेजी सिखाई जा रही है बल्कि उन्हें करियर काउंसलिंग की भी सुविधा दी गई। ऐसा प्रयास पहली बार हुआ। कार्यक्रम के समापन पर छात्राओं ने अपनी बातें इंग्लिश में रखी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सत्यनारायण चांडक, जुड़े हुए हैं फोन पर। सत्यनारायण, नक्सली क्षेत्रों में एक बहुत अच्छी पहल सीआरपीएफ की तरफ से। जी आपको बता दूं कि नक्सल इलाकों में सीआरपीएफ को शांति बहाली के लिए स्थापित किया गया है और सीआरपीएफ 74 बटालियन है जो दुर्नापाल और खास करके नक्सल इलाकों में काम करती है और ये बटालियन सिर्फ नक्सलियों से लोहा लेने के अलावा इस प्रकार से जो है सीजी केशन करती है और इस बार ये पहली बार सीजी केशन के तहत जो है 40 छात्राओं को इंग्लिश सिखाया गया और साथ साथ जो है उनका कैरियर काउंसलिंग भी सिखाया गया। और जब ये कार्यक्रम का समापन हो रहा था तब यहाँ की जो छात्राएं हैं खास करके जो है आदिवासी इलाकों की छात्राएं इंग्लिश में अपनी बातें रख रही थी। ये जो है काफी अच्छा प्रयास जो है सीआरपीएफ के द्वारा किया गया है। सत्यनारायण आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।